नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। भावी सीएम भजनलाल शर्मा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते मुख्यमंत्री को किया गया शिफ्ट। जवाहर सर्किल स्थित निजी आवास से गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है। सहकार मार्ग स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में परिवार को शिफ्ट किया गया है। मुख्यमंत्री आवास में अब जब तक शिफ्ट नहीं होते भजनलाल शर्मा, तब तक इस गेस्ट हाउस में ही वो रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक होती है तो बड़ी एक लापरवाही हो सकती है, क्योंकि नया पदभार उन्हें मिला हुआ है और ऐसे में किसी भी तरीके की सुरक्षा कारणों में चूक ना हो, किसी भी तरीके से भावी मुख्यमंत्री को कहीं से भी कोई भी बड़ा घटनाक्रम ना हो सके, इसके लिए सुरक्षा कारणों के चलते भजनलाल शर्मा को शिफ्ट किया गया है। उनके घर से उन्हें गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है। जब तक उन्हें सरकारी बंगला नहीं आवंटित हो जाता है जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, सीएम आवास जब तक उन्हें नहीं मिलता है, तब तक वो अपने परिवार के साथ इस गेस्ट हाउस में रहेंगे और वो अपने घर पर नहीं रह सकते हैं। संवाददाता रोशन इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, देखिए जानकारी सामने आ रही है कि भजनलाल शर्मा को शिफ्ट किया गया, उनके परिवार को शिफ्ट किया गया, वो अपने घर पर नहीं रहे, गेस्ट हाउस में उन्हें शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ममता, अभी कहा जा सकता है कि ये जो सहकार मार्ग के ऊपर RVPNL का जो गेस्ट हाउस है उसे अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री निवास यहां पर बनाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारी जो पुलिस जो जाप्ता है वो तैनात किया गया है। देखिए, उनका जो जवाहर सर्किल स्थित जो उनका निजी निवास था, जो फ्लैट था, वहां पर सुरक्षा कारणों के चलते हुए उन्हें देर रात यहां पर शिफ्ट किया गया है। जिस तरीके से रात करीब 11 बजे भजनलाल शर्मा अपने वहां पर आवास पर पहुंचे थे, हजारों की संख्या में वहां पर जो लोग, उनके चाहने वाले कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गया था कि इतने लोगों को किस तरीके से रोका जाए। देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करे। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए जिम्मेदारी यहां पर बनती है। आप देखिए, पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद है, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित खुद यहां पर पहुंचे हैं। आप यहां पर देखिए, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनका यहां पर जायजा लेते हुए यहां पर अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये टेंट यहां पर लगाया जा रहा है। यहां पर जो मिलने वालों का जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं, सुबह से यहां पर शुरू हो गया। यहां पर लोग यहां पर पहुंचना यहां पर शुरू हो गए। हर कोई भजनलाल शर्मा से मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। जो मुलाकात का सिलसिला है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। आप लोग यहां पर पहुंच रहे हैं क्या? कुछ जो तमाम तरीके की यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। मैं बताना चाहूंगा ममता, कुछ ही देर में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो सांगानेर स्थित जो सांगा बाबा के जो मंदिर में वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद में सीधा वो दर्शन करने के बाद में बीजेपी जो मुख्यालय है वहां पर पहुंचेंगे। करीब 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच बीजेपी मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनसे मुलाकात करेंगे, आगे की जो कार्य योजना उसके ऊपर विचार करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं भरतपुर से आया हूँ और भजनलाल जी जिनको पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने जो मौका प्रदान किया है उसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत बहुत आगे बढ़ाया। देखिए, उनके गांव से वहां से जो पहुंचने का जो सिलसिला है लोगों का वो जारी है। कह सकते हैं कि जो भरतपुर है, नदबई है, वहां से जो लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। जी ममता, यहां पर जो लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल सकता है। आप कहां से पधार रहे हैं? हम भरतपुर से आए, नगर विधानसभा से। क्या रिश्ता है आपका भजनलाल जी के साथ? हमारा रिश्ता लोकल है और पहले से ही मैं भी बीजेपी में महामंत्री हूँ जनउत्थान मंडल का, साहब भी प्रदेश के बीजेपी के अहदे पे थे, तो तब से हमारा आपके साथी जो आपके बीच में रहते थे आज वो प्रदेश के मुखिया बन गए, मुख्यमंत्री। ये बड़ी खुशी की बात है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बड़ी सौगात है, एक मामूली कार्यकर्ता को इस तरह से। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर मौजूद है। आप कहाँ से आप आए हैं? आप मुलाकात हो पाई आपकी? बिल्कुल हो जाएगी, अभी मैं सांगानेर से आया हूँ और अभी घर से निकले हैं तो मुलाकात हो जाएगी, कोई दिक्कत। क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है? बताया जा रहा है कि सांगा बाबा के दर्शन करेंगे।
बिल्कुल देव भूमि के दर्शन करने चाहिए और सांगा बाबा की तो पूरे सांगानेर पर जो मेहर रही है, तो निश्चित रूप से सांगा बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं ऐसा मालूम हुआ है। बिल्कुल देखिए ममता, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भारी जो उत्साह है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। लोगों को जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। आज पहला दिन है, कुछ ही देर में यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर निकलेंगे। यहाँ से तमाम जो तैयारियां हैं, पूरा परिवार यहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है भजनलाल शर्मा का। जी बिल्कुल, देखिए देर रात्रि करीब 3:30 बजे भजनलाल शर्मा को जो परिवार को इस गेस्ट हाउस में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री निवास इसे यहाँ पर बनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए उसका मुख्य कारण ये था कि जो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस बारे में आग्रह किया कि इस तरीके की मेरी वजह से यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। ऐसे में आनन फानन में जो गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस आप यहां पर देख रहे हैं, इसे तैयार किया गया है अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री निवास के तौर के ऊपर। जब तक उन्हें मुख्यमंत्री निवास नहीं मिल पाता, नहीं अलॉट हो पाता, जब तक जो पूरा परिवार है वो यहां पर रहेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रोटोकॉल के तहत यहां पर जो तमाम तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहां पर सुनिश्चित यहां पर की जा रही है। आप यहां पर तस्वीरों के अंदर मैं बताना चाहूंगा मेरे सहयोगी अविनाश से कि यहां पर एक अस्थायी रूप से टेंट लगाया जा रहा है, पंडाल यहां पर लगाया जा रहा है, जो यहां पर जो आने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात कर सके, इस तरीके की यहां पर जो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर ममता। बिल्कुल रोशन, हम देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी की जा रही है। आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का? पहले मंदिर दर्शन आप बता रहे हैं, उसके बाद लोगों से भी मुलाकात करेंगे, पार्टी मुख्यालय में करेंगे, यहीं पर मुलाकात का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए ममता, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भजनलाल शर्मा यहां से सीधे देव दर्शन के लिए निकलेंगे और बताया जा रहा है कि सांगानेर स्थित जो सांगा बाबा का मंदिर है वहां पर वो दर्शन करेंगे। इसके अलावा हनुमान जी का एक मंदिर वहां पर बताया जा रहा है, वहां पर भजनलाल शर्मा अपना जो मत्था है वो टेकेंगे, उसके बाद में सीधे वो बीजेपी जो प्रदेश मुख्यालय है उसके लिए जाएंगे। करीब 10:30 बजे बीजेपी जो मुख्यालय है वहां पर पहुंचने का ये जो कार्यक्रम है, और उसके बाद में करीब 12:30 बजे तक वो लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद में बताया जा रहा है कि वो वापस पुणे यहां पर ये जो निवास है यहां पर आएंगे ममता। ठीक है रोशन, आप लोगों से बात करिए, कितनी खुशी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद देना ये लोगों के मुंह से निकल रहा है और वो लगातार उत्साहित भी हैं, क्योंकि ऐसे में लोगों को उम्मीद भी है कि हाँ अगर उनको मौका मिल सकता है तो आने वाले समय में हमको भी मौका मिल सकता है अगर हम पार्टी के लिए जी जान से काम करें, जनता के लिए जी जान से काम करें। बिल्कुल ठीक ममता, आपने कहा है कि जो भजनलाल शर्मा का नाम जब जैसे ही आया तो कहा जा सकता है कि पूरा सरप्राइजिंग ये जो एक ऐसा नाम था कि जिस तरीके से जो प्रयास चल रहे थे, जो चर्चाएं थी, उन तमाम चर्चाओं के ऊपर विराम लगाया बीजेपी कहा जा सकता है कि आलाकमान। आप लोगों ने सोचा था कि जो भजनलाल शर्मा आपके बीच में जो कार्यकर्ता है, जो विधायक की जो दौड़ के अंदर है सांगानेर से, जो जिन्होंने पहली बार दावेदारी की है, क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखो ऐसा तो बिल्कुल ही, ये जो बने हैं ये मोदी जी की सोच और अमित शाह जी की और जेपी नड्डा जी की एक बहुत ही जो कार्यकर्ता को आगे लाने वाली सोच है उसके अनुरूप हुआ है। और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर बनने के बाद जो भाजपा कार्यकर्ताओं में और आम जन में एक फील आया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और एक कार्यकर्ता को जो मुख्यमंत्री बनाया है उससे बहुत ही लोग, और इससे आपको बता दूं कि अब की बार हम जो लोकसभा में जो सीटों का मायना होगा वो इस जो अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं उससे काफी अधिक होगा। आप बुके लेके आए, किसके लिए लेके आए? मैं पांडे जी के लिए लेके आया हूँ तो। पर ये जो बुके हैं आप मौका मिलेगा किसे देंगे? मैं सीएम साहब को दूंगा। क्या मुलाकात संभव हो पाएगी? अब ये तो कैसे पता, मुख्यमंत्री बन गए कल तक जो आपके बीच में रहते थे, जो क्या कहेंगे आप, कहाँ से आप पधारे हैं आप? मैं जिला भरतपुर नगर विधानसभा 71 से सतवीर कसाना। आज इतनी खुशी है कि आज हमारे भरतपुर जिले के एक आम कार्यकर्ता जो संघ से पीछे 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, बड़े साधारण कार्यकर्ता जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से, देखिए रोशन सभी में खुशी है कि एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने हैं, तो साफ तौर पर लोगों के मन में खुशी भी है और उत्साहित भी है। बहुत धन्यवाद रोशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने